नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भारत पुलवामा हमले का पाकिस्तान से बदला ले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जम्मू शहर के बीचों बीच बने एक बस स्टैंड पर वीरवार को जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके में करीब 30 लोग घायल हो चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। ग्रेनेड SRT बस स्टैंड के निकट जाफर फटा, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वही हमले के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक FK सिन्हा ने बताया कि स्पोर्ट के बाद BC रोड से आसपास इलाके में घेराबंदी कर दी। घटना में घायल सभी लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक धमाका इतना तेजी से था कि आसपास खड़े 4-5 गाड़ियों के शीशे टूट गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ग्रेनेड फेंका गया था जो गिरकर बस के नीचे चला और उसके बाद धमाका हुआ। शुरुआती जांच सामने आ रही है, इसमें धमाके का मकसद सांप्रदायिक तनाव पैदा करना था। प्रशासन ने लोगों को अफवाहों से ध्यान देने पर नकार दिया है। बता दें कि यह पिछले 9 महीने में तीसरा बड़ा धमाका है। इससे पहले एक बार फिर ढाबे को निशाना बनाया और दूसरी बार पुलिस चौकी और तीसरी बार आतंकी ग्रेनेड धमाका कर कोशिश कर चुके हैं। अभी मोदी सरकार इसकी